कोई संवाद नहीं हुआ, कोई कोई यार सिस्टम कैसा लगा ये? सिस्टम कुछ नहीं है, लोगों की बात सुनी नहीं जाती। अब दो चार लोगों से अब ये संवाद तो ये प्रशासन भी कर सकता है। जो हम सवाल लेके गए इनके प्रशासन नहीं बैठा गया, प्रशासन से नहीं हल करने हैं मसले, तो इन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है। हम 7 साल से घूम रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री से एक बार बात हो जाए, आज तक एक बार भी बात नहीं हो पाई। कोई विधायक भी बात नहीं करवा पाया इन मुद्दों पर। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए हमने 7 साल हो गए घूमते हुए कि कैथल को बचाने के लिए एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाए, परंतु आज तक मुख्यमंत्री से हमें कोई बात नहीं करवा पाया, कोई जिलाध्यक्ष नहीं करवा पाया, कोई एमपी नहीं करवा पाया, कोई एमएलए नहीं करवा पाया। वाकई में ये जनसंवाद है या जनसवाद है? लेकिन हमने ये देखा ये बिल्कुल टोटली जनसवाद है, जनसवाद का कोई से लेना देना नहीं। मैं आज का कार्यक्रम बिल्कुल टोटली फेल है, हम तो 100 में से 5 नंबर भी देते हैं। टांडा से भी मिले तो उससे भी कई बार बात की, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ 2-3 मुद्दे थे, 2-3 साथियों को दे रखे थे, एक मुद्दा सुने है थोड़ा सा, बाकी किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से बातचीत 15 मिनट मुख्यमंत्री बा मुश्किल बैठे, और लोगों ने मतलब पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग खड़े हो गए, मुख्यमंत्री मजबूर होकर उठ कर चला गया। पहले मुख्यमंत्री ने दरखास्त सबकी ले ली, दरखास्त लेकर किसके पास भेजा? अधिकारियों का, अधिकारी के मारे हुए तो सारे लोग आ रहे थे, उन्हें डाकुआ तो फेर दे दी। लेकिन उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की और 4 आदमियों की बात सुन के उठ के चले गए। क्या ऐसे जनसंवाद होता है? ये स्वाद लेने आते हैं सत्ता का और लेकर चले जाते हैं, जनता दुखी हुई घूम रही है। अधिकारियों से परेशान थे सारे, राज तक कोई परेशान नहीं, राज बढ़िया, मुख्यमंत्री बढ़िया। मेरा नाम सतपाल आनंद है, वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ मैं, हुड्डा सेक्टर में। समस्या ये थी, काफी बड़ी समस्या है, कई लिखी है मैंने उसमें, चिट्ठी कागज ले लिया, बात करने का कोई टाइम नहीं मिला। उसमें सबसे मेन तो ये है कि भी आज संवाद दिया था सीएम साहब से, संवाद हुआ कुछ आपका? कोई संवाद नहीं हुआ, कोई संवाद नहीं। तो मैं लास्ट में कहूंगा, पहले मैं अपनी बातें रख। तो जैसे वहाँ पे पेड़ों की कटाई हुई, हमने भास्कर अखबार में भी दिया, अवैध रूप में 19 सेक्टर पार्ट 1 में कोठी नंबर 1 से शायद मित्तल है, कोठी नंबर 1 से लेके और आप ये मार्केट है जहाँ, वहाँ तक देखोगे सारे पेड़ बड़े ऊपर से कटवा दिए, नीचे के तने तने खड़े हैं। उससे पहले भी सड़क के साथ में कटे थे पेड़। हाँ, अब बार बार हम जब उनसे पूछा, कहते हैं जी बिजली वाले ने क्या, कोई कह रहा है कि जिनकी कोठियां है उन्होंने कटवाया, एक आध कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बीच में खुद एमसी ने कटवाए, तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को मिलनी चाहिए सजा, ताकि बाकी पेड़ों को बचाया जा सके। सेक्टर में हमने इतने महंगे महंगे प्लाट लिए, इतना पैसा भरा, इतना पैसा लगाया, इसीलिए लगाया था ग्रीनरी रहेगी, उसको अवैध रूप में कटाई हो रही है, उसको कोई रोक टोक नहीं लगाई जा रही, एक बात है। दूसरे वहां पे आवारा पशु, आवारा बंदर इतने फिरते हैं जिससे कि हर रोज हादसे होते रहते हैं, आधी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सवेरे लोग वॉकिंग पे जाते हैं ठोकर लग लग के गिरते हैं, उसका कोई समाधान नहीं, पानी गंदा आता है, वाटर पाइपलाइन सारी बंद हुई पड़ी है। आपने बातें लिख के दे दी, सारी लिख दी है हमने उसमें, 10-11 पॉइंट है। मुख्यमंत्री से हुआ कुछ बात? कोई संवाद नहीं हुआ, कोई सिस्टम कैसा लगा ये? सिस्टम कुछ नहीं है, लोगों की बात सुनी नहीं जाती। अब दो चार लोगों से अब ये संवाद तो ये प्रशासन भी कर सकता है। जो हम सवाल लेके गए इनके प्रशासन नहीं बैठा गया, प्रशासन से नहीं हल करने हैं मसले, तो इन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है। मोटा मोटी तौर पे बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, जिनकी बातें सुनी भी गई उनका भी क्या समाधान होगा? आप दोबारा फॉलो अप करो इस बात का, और हम भी प्रशासन को लेके भी इन मांगों को मुद्दों को लेके मिलेंगे। और मैं नागरिक अधिकार मंच जिला कैथल का कन्वीनर हुई हूँ, हमने नागरिक अधिकारों के सवाल बार बार उठाने हैं, चाहे शासन के सामने प्रशासन के सामने, लोग इस मामले में बहुत एजिटेटेड हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उसमें पार्षद का क्या रोल है इसके साथ? पार्षद का मैं नहीं कह रहा रोल, लेकिन कुछ लोग बताते हैं। तो आपके साथ है पार्षद? नहीं, पार्षद इसके साथ एक सवाल हो रहा है जी हमारा, तो शक है उस पर कहीं ना कहीं उसने कटवाए? मुझे कैसा, मैं जो बात लोगों से सुनते हैं ना वो बता रहे हैं हम तो। ठीक है, और आपका नाम? मेरा नाम रमेश सरिता है, मैं ये शहर से आया हूँ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिला प्रधान हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है यहाँ पहुँचने का भी, और मतलब ओवरऑल हम देखना भी चाहते थे
भी वाकई में ये जनसंवाद है या जनसवाद है, लेकिन हमने ये देखा ये बिल्कुल टोटली जनसवाद है। जनसवाद का कोई इससे लेना देना नहीं। हमारा ये भी कहना है जनता के इससे जो लड़ रहे हैं आज, मतलब अपने अपने मतलब उनको सवालों को लेकर के अपने मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, इस सरकार में कोई सुनाई नहीं। उसकी सुनाई होनी चाहिए, उनको बुला करके बकायदा पूछना चाहिए, क्योंकि जनता के साथ नहीं, उन कर्मचारियों के साथ साथ जनता भी परेशान है। तो आज का कार्यक्रम पास मानते हैं या फेल है? आज का कार्यक्रम बिल्कुल टोटली फेल है। हम तो 100 में से 5 नंबर भी नहीं देते इसको। जी सर, आपका नाम? सर आपका नाम? रघुवीर सिंह जी। क्या कहना चाहते हैं, आज किस कार्यक्रम में पहुंचे हैं? हम आज ऐसी समस्याएं लेके आए थे जो मुख्यमंत्री के बिना हम किसी के सामने रख नहीं सकते और ना उनका किसी के पास समाधान। तो मुख्यमंत्री ने सुनी आपकी बात? मुख्यमंत्री ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ 2-3 मुद्दे थे, 2-3 साथियों को दे रखे थे, एक मुद्दा सुने हैं थोड़ा सा, बाकी किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो शेड्यूल रोडों के ऊपर और बाईपास के ऊपर 30 मीटर और 100 मीटर की जो रिजर्व लैंड पड़ी है और वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रोडों को एक्सटेंड करने के लिए रखती है, लेकिन वो एरिया अब कमेटी के अंदर आ चुका है और बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। उसको हरियाणा सरकार डी नोटिफिकेशन करके ही उसका समाधान कर सकती है। 1963 एक्ट के तहत वो ऐसे की ऐसी जमीन पड़ी है, लोगों के ना तो नक्शे पास होते हैं ना रजिस्ट्रियां बनती हैं, और ये मैटर नीचे से ना कोई सुनने वाला है और मुख्यमंत्री ने आज सुननी ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ कागज लेके चले गए। आम आदमी का मुख्यमंत्री को मिलना कितना आसान और सुलभ है? हम 7 साल से घूम रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री से एक बार बात हो जाए, आज तक एक बार भी बात नहीं हो पाई। कोई विधायक भी बात नहीं करवा पाया इन मुद्दों पर। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए हमने 7 साल हो गए घूमते हुए कि कैथल को बचाने के लिए एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाए, परंतु आज तक मुख्यमंत्री से हमें कोई बात नहीं करवा पाया। कोई जिलाध्यक्ष नहीं करवा पाया, कोई एमपी नहीं करवा पाया, कोई एमएलए नहीं करवा पाया। हमें इस बात का बड़ा दुख है। आज जनसंवाद था, इसलिए आए थे कि आज हम अपनी बात इनके सामने रख पाएंगे, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की और 4 आदमियों की बात सुन के उठ के चले गए। क्या ऐसे जनसंवाद होता है? ये स्वाद लेने आते हैं सत्ता का और लेकर चले जाते हैं। जनता दुखी हुई घूम रही है। धन्यवाद। मेरा नाम रामेश्वर आजाद है, गांव कसान से आया हूं मैं। जनसंवाद था, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई आपकी? मुख्यमंत्री जी से बातचीत 15 मिनट मुख्यमंत्री बाबू मुश्किल बैठे और लोगों ने मतलब पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग खड़े हो गए, मुख्यमंत्री मजबूर होकर उठ कर चला गया। पहले मुख्यमंत्री ने दरखास्त सबकी ले ली, दरखास्त लेकर किसके पास भेजा? अधिकारियों का। अधिकारियों के मारे हुए तो सारे लोग आ रहे थे। अच्छा। उन्हें डाकुआ तो फेर दे दी। अच्छा, अधिकारियों से परेशान होकर मिलने आए? अधिकारियों से परेशान थे सारे, राज तक कोई परेशान नहीं। राज बढ़िया, मुख्यमंत्री बढ़िया। ले रहा था मैं, नाम मेरा संदिगा, मैं गाँव कठुआ। मैं अपना खत्र साहब के संवाद में। अच्छा, और ये बातचीत? बातचीत तो नहीं उनके साथ है। अच्छा। सिर्फ डॉक्यूमेंट लिए हैं जी। तो फिर ठीक लग गया सिस्टम? यू वर्क नहीं, सिस्टम बढ़िया था तो उसमें मेरा कोई समाधान का कोई उपाय नहीं निकला। हाँ जी, क्या नाम है? सूरज मंगल। आज कहाँ पहुँचे थे? सीएम का है। सीएम का मिल गया? सीएम बातचीत हो गया? कुछ बातचीत तो होगी। अच्छा, फिर देखो जब बनाएगा तो मेरा पता होगा। तसल्ली तो बने होगी, कई बार दे ली। गुलमोर सिटी नजदीक, गुलमोर सिटी जनकपुरी, जनकपुरी का मुख्यमंत्री तो मिल लिया, कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन तो देवे थे, फिर अगर आगे कार्रवाई तो नहीं कर रहे पूरी। जी, आपका नाम? मनीषा जी। आज कहाँ पहुँचे थे आप? कैथल। कैथल, क्या कार्यक्रम है ये? सीएम से बात कर रहे थे। अच्छा, तो क्या समस्या थी और किस तरह बातचीत हुई आपकी? कॉलोनी के हेतु बात कर रहे थे, और ना तो मेरे पास पापा है, पापा की डेथ 2014 में हो गई थी, ना मेरे पास भाई है, भाई की डेथ भी 2019 में हो गई थी। दो हम लड़कियाँ और एक मम्मी है, पेंसिल से ही गुजारा कर रहे हैं। अच्छा। और मम्मी आगे पढ़ा भी रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ। कहाँ से आए? गांव कुराड़ से। कुराड़ से? यस सर। तो मुख्यमंत्री से मिले हैं आप? मिले तो हैं, तो एप्लीकेशन भी दे दिया, बट पता नहीं क्या होगा। हम उससे टांडा से भी मिले तो उससे भी कहीं बार बात की, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? कॉलोनी हेतु। कॉलोनी मकान? हाँ मकान, हमारे शौचालय का भी वो नहीं है। शौचालय भी नहीं है?